यूनियन क्या है हमारे पास? ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए, ये हमारे पास जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन है। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, तो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है ए यूनियन बी। तो ए हमारे पास है ए बी सी डी ई, और पिरामिड में है यूनियन, बी हमारे पास है ए ई आई ओ यू। यूनियन में क्या करते हैं, तरतीब से लिखते हैं, अरेंज करते हैं, तो इसको मैंने तरतीब से लिख दिया, पहले आ गया ए, फिर बी, फिर सी, फिर डी, फिर ई, एफ जी नहीं है तो आई आता है, फिर ओ आता है, फिर यू आता है। ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हुआ। अब हम लेंगे यहाँ पे टेकिंग राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड इक्वल टू बी यूनियन ए। तो सबसे पहले बी की वैल्यू ए ई आई ओ यू, और यूनियन फिर हम ए की वैल्यू लिखेंगे जो है ए बी सी डी और यूनियन में तरतीब से लिखते हैं, तो हम इसमें तरतीब बनाएंगे। हमारे पास तरतीब हो गई ए, फिर बी, फिर सी, फिर डी, फिर ई, फिर आई, फिर ओ, फिर यू। ये जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड भी यही है, तो दोनों क्या आ गए आपके सेम आ गए, तो हमारा क्या हो गया ये वेरीफाई हो गया। तो हम याद रख दें कि हैंस वेरीफाइड, यानी आपने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूनियन की वो आपने वेरीफाई कर दिया। अब आ जाते हैं इंटरसेक्शन के लिए, तो यहाँ पे हम हेडिंग लगाएंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। तो इसके लिए है ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। वही तरीका, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी, तो ए की वैल्यू हमारे पास है क्या है, ए बी सी डी और ई, फिर इंटरसेक्शन, फिर बी की वैल्यू ए ई आई ओ यू। जैसे आपको पता है इंटरसेक्शन में कॉमन लिया जाता है, यहाँ पे ए कॉमन है, तो हमने लिख दिया ए, इसके अलावा डी नहीं है, सी भी नहीं है, डी भी नहीं है, और हमारे पास ई कॉमन है, तो हम यहाँ से ई निकाल देंगे। तो यहाँ पे हो गया हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड। अब लेंगे हम टेकिंग राइट हैंड साइड, तो ये राइट हैंड साइड इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। तो सबसे पहले हमारे पास बी की वैल्यू जो कि है ए ई आई ओ यू, पिरामिड में इंटरसेक्शन का साइन, फिर हमारे पास ए की वैल्यू है ए बी सी डी और इसमें हमारे पास देखेंगे इंटरसेक्शन में होता है कॉमन, तो यहाँ पे ए कॉमन है, ए ले लेंगे, और इसके अलावा ई कॉमन है, हम ई ले लेंगे, बाकी हमारे पास कोई कॉमन नहीं है। तो ये आप देख सकते हो आपकी लेफ्ट हैंड साइड आ चुकी है, तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड हो गई। यहाँ पे हमारे पास ये क्या हो गया, हैंड्स वरी। तो ये हमारी थी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। तो अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू फिर ए यूनियन बी यूनियन सी। तो सबसे पहले हम टेकिंग
लेफ्ट हैंड साइड, तो हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है ए यूनियन बी यूनियन सी। इसको सॉल्व करने के दो तरीके, पहले बी यूनियन सी मालूम करो को, इसका बी यूनियन ए के साथ लो, या आप एक साथ पूरा भी कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले ए की वैल्यू एक साथ वाला करूँ, तो यानी 1, 2, 4, 5, 10, 20, फिर यूनियन, फिर ब्रैकेट, फिर हमारे पास बी की वैल्यू क्या है 5, 10, 15, 20। फिर आपने यूनियन, अब आपने इसके सामने ही लिखना है वैल्यू, यहाँ मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं ज़रा नीचे लिख रहा हूँ। तो आपने सी की वैल्यू लिखनी है जो कि है 1, 2, 5, 10, यह आपने एक ही लाइन में लिखना है। तो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ, ये अपनी जगह पे 1, 2, 4, 5, 10, 20 और पहला ब्रैकेट सॉल्व होता है, तो हम इसके दरमियान यूनियन लेंगे। यूनियन में तरतीब से लिखते हैं, जैसे पहले 1, फिर 2, फिर 5, फिर 10, फिर 15, फिर 20। अब इन दोनों के दरमियान आपने यूनियन लेना है, तो यहाँ पे यूनियन में फिर तरतीब 1, 2, फिर 4, फिर 5, फिर 10, फिर 15, फिर 20, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड सोल्व हो गया। अब हम लेंगे टेकिंग राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड हमारे पास है ए यूनियन बी यूनियन सी। तो सबसे पहले ब्रैकेट में ए की वैल्यू, तो ये है 1, 2, 4, 5, 10, 20। सॉरी, यहाँ पे हम ब्रैकेट बंद, और फिर इसके बाद यूनियन, और फिर आपके पास बी की वैल्यू, तो बी की वैल्यू है 5, 10, 15, 20, फिर बंद ब्रैकेट और यूनियन, और उसके बाद सी की वैल्यू जो है 1, 2, 5 और 10। जैसे मैंने एक लाइन में लाया, इस तरह ऊपर वाले स्टेप को भी एक ही लाइन में आपने लाना है। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, तो ब्रैकेट हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे इनमें यूनियन लेना है तरतीब से 1, 2, 4, 5, 10, 15 और 20। यूनियन, और फिर हमारे पास 1, 2, 5 और 10। फिर इन दोनों के दरमियान यूनियन फिर हम लेंगे, तो हमारे पास हो गया फिर 1, 2, 4, 5, 10, 15 और 20, जो कि आपका लेफ्ट हैंड साइड है। तो ये आपके पास क्या हो गया, ये आपका आ गया लेफ्ट हैंड साइड। ये हमारे पास ये क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूनियन के ऊपर, तो वेरीफाइड। ठीक है, देख सकते हो दोनों का आंसर सेम आ रही है, ये है लेफ्ट और ये हमारे पास राइट हैंड साइड। अब आ जाते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ओवर इंटरसेक्शन, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ओवर ऑफ इंटरसेक्शन। तो इसके लिए होता है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी और इंटरसेक्शन सी। तो चलो स्टार्ट करते हैं, इसको देखते हैं। तो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, हम यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, वही तरीका, इनको एक साथ सब करेंगे। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं ए की वैल्यू, ए की वैल्यू हमारे पास है 1, 2, 4, 5,
और 20, फिर इंटरसेक्शन, फिर ब्रैकेट का साइन, फिर हमारे पास बी की वैल्यू है 5, 10, 15, 20 और इंटरसेक्शन का साइन, और सी की वैल्यू है 1, 2, 5, 10। पहला अपने जगह पे, पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, तो 1, 2, 4, 5, 10, 20 इंटरसेक्शन, अब इन दोनों में कॉमन, तो जैसे आप देख सकते हो 5, 5 मौजूद है और 10, 10 मौजूद है, तो ये दो आपके पास कॉमन आ गए। अब इन दोनों के दरमियान इंटरसेक्शन, तो यहाँ पे 5 और 10 कॉमन है, तो ये आ गया 5 और 10, ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड आ गया। अब करते हैं टेकिंग राइट हैंड साइड, टेकिंग राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी और इंटरसेक्शन सी, तो यहाँ से स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट, ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1, 2, 4, 5, 10, 20, फिर मिड में इंटरसेक्शन, फिर बी की वैल्यू 5, 10, 15, 20, ब्रैकेट क्लोज, और सी की वैल्यू है 1, 2, 5, 10, सॉरी यहाँ पर ब्रैकेट नहीं लगेगा, ये यहाँ पे इस तरह। अब यहाँ पे कॉमन लेना है, तो जैसे देख सकते हो 5, 5, 10, 10, 20, 20, ये तीन हमारे पास कॉमन है, तो 5, 10, 20, फिर मिड में इंटरसेक्शन और 1, 2, 5, 10, अब इन दोनों में कॉमन लेना है, तो ये 5, 5 एक जैसे है, 10, 10 एक जैसे है, तो 5 और 10, और ये आपका कौन सा साइड आ गया, ये देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड, ये क्या हो गया आपके पास 5। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में दो सेट होते हैं और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में आपके पास 3 सेट होते हैं। है इसका क्वेश्चन नंबर 3, जो के है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। अब इसके 3 क्वेश्चन रह गए, एक है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, एक है डी मॉर्गन्स लॉ और एक है सबसेट वाला, तो इंशाल्लाह ये नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएंगे। तो मिलते हैं इस तरह के अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।